नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप एलिवेशन देख रहे हैं, इस एलिवेशन के लिए 25x30 के प्लॉट पर हाउस प्लान के बारे में बात करेंगे। तो चलिए इस प्लान को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रंट में आएंगे। तो जैसे कि एलिवेशन है, इसके हिसाब से यहाँ पर मेन एंट्रेंस दिया गया है। यहाँ से एंट्री करेंगे तो यहाँ पर आएगा स्टेयर्स विथ पार्किंग। तो जैसे कि दिख रहा है, इसका साइज 11 फीट बाय 17 फीट 5 इंच है। ये कार पार्किंग के लिए यूज़ हो जाएगा और यहाँ से सीढ़ी स्टार्ट होगी ऊपर की ओर आने के लिए। इसकी चौड़ाई 3 फीट रखी गई, ट्रेड इसका 10 इंच और राइजर इसका 7 इंच रखा गया है। इसके बाद जैसे कि एलिवेशन में आप देख सकते हैं, यहाँ से हम लेफ्ट डायरेक्शन में चले तो यहाँ पर फ्रंट लॉन रखा गया है, यानी कि यहाँ पर गार्डनिंग के लिए थोड़ा एरिया छोड़ा गया है। तो यहाँ पर इस प्लान में ये एरिया है 12 फीट 9 इंच बाय 5 फीट का ये एरिया छोड़ा गया है। इसके बाद हम आगे देखेंगे तो इस पार्किंग से आगे चलेंगे तो यहाँ पर सामने ये दरवाज़ा रखा गया है। यहाँ से एंट्री करेंगे तो बीच में लॉबी दी गई है। इस लॉबी का साइज है 17 फीट 9 इंच बाय 10 फीट। इसको हम डाइनिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसके राइट साइड में यहाँ पर किचन रखा गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसका एंट्रेंस यहाँ से जाता है, यहाँ पर डोर या आर्च बना सकते हैं। इस किचन का साइज 6 फीट 6 इंच बाय 10 फीट है। इधर कोने पर ये स्लैब आ जाएगा, यहाँ पर गैस स्टोव रख सकते हैं, यहाँ पर वॉश बेसिन रख सकते हैं। इसमें वेंटिलेशन के लिए इस वॉल पर विंडो आ जाएगा। इस तरह से जैसे कि एलिवेशन में देख सकते हैं, यहाँ पर विंडो दिख रहा है एलिवेशन में। इस हिसाब से यहाँ पर ये बेडरूम रखा गया है। इस बेडरूम का साइज 12 फीट 9 इंच बाय 11 फीट 7 इंच है। इस बेडरूम में यहाँ से एंट्री रखी गई है और एक यहाँ पर भी दरवाज़ा दिया गया है अंदर लॉबी में जाने के लिए। तो इस तरह से ये बेडरूम हो जाता है, जिसमें वेंटिलेशन के लिए इस वॉल पर विंडो आ जाएगी। आगे हम बात करते हैं, लॉबी से सामने चलेंगे तो एक बेडरूम यहाँ पर रखा गया है, सेकेंड बेडरूम, जिसका एंट्रेंस यहाँ से है। इसका साइज़ है 13 फीट बाय 11 फीट 4 इंच। इसमें अटैच टॉयलेट बाथरूम रखा गया है, जिसका एंट्रेंस यहाँ से है। इस टॉयलेट बाथरूम का साइज 6 फीट बाय 4 फीट रखा गया है। इसमें वेंटिलेशन के लिए इस वॉल पर एक वेंटिलेटर आ जाएगा। और इस बेडरूम में जो वेंटिलेशन की बात करें तो इस डोर के साथ अटैच यहाँ पर विंडो आ सकता है और साथ ही डोर के ऊपर भी चौखट में वेंटिलेशन दे सकते हैं। इसके बाद हम आगे बात करें तो इस लॉबी से सामने चलेंगे तो यहाँ पर एक स्टोर रूम रखा गया है। इसका साइज है 5 फीट 4 इंच बाय 7 फीट 11 इंच। ये स्टोर रूम हो जाता है। इसके बाद आगे बात करें तो ये टॉयलेट बाथरूम रखा गया है कॉमन पर्पज़ के लिए। तो इसका साइज है 5 फीट बाय 7 फीट 11 इंच। ये टॉयलेट बाथरूम में आता है कॉमन पर्पज़ के लिए। इसके वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर एक वेंटिलेटर आ जाएगा। और पीछे यहाँ पर ओटीएस रखा गया है, यानी कि ओपन एरिया रखा गया है, जिसका साइज है 4 फीट 4 इंच बाय 3 फीट। तो इस ओटीएस से इन दोनों को वेंटिलेशन मिल जाता है। तो इस तरह से इस एलिवेशन के लिए ये प्लान डिज़ाइन किया गया है, जो कि 25 फीट बाय 30 फीट के प्लॉट के लिए है। तो अगर आपको इस एलिवेशन पे अगर और भी अलग साइज़ के प्लॉट पर हाउस प्लान चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिए। और किस साइज़ के प्लॉट पर अगर आप डिज़ाइन करवाना चाहते हैं, उसके लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये प्लान अगर आपको डाउनलोड करना है तो नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।